नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। इंडिया वर्ल्ड कप हारने के बाद फाइनल में तो बहुत ही सारे मतलब बांग्लादेशी फैन ने मतलब इंडिया को ट्रोल करने लग गया है। इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि वो मतलब इंडिया वाले देख नहीं पा रहे हैं और उनके अगेंस्ट उन्होंने भी वीडियो डाल रखा है और इस तरह से कह रहे हैं कि हमने मतलब बांग्लादेश से इतने ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब इतने कुछ देते हैं, फिर भी बांग्लादेश इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ मतलब चीज़ें सामने आई है। बांग्लादेशी जो पीपल है वो भी इतना ज़्यादा मतलब ट्रोल कर रहे हैं कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से बातें बहुत दिन तक चला जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शोएब अली नाम का एक जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का फैन है, उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला जो मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं रोहित शर्मा का बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैन हूँ और रोहित शर्मा मुझे पर्सनली जिस होटल में उन्होंने थे उस होटल में हम भी थे, तो उन्होंने उन्होंने मतलब हमको टिकट दी, वर्ल्ड कप फाइनल का जो मैच था उनका टिकट दी। तो इस तरह से बहुत कुछ बात है कि रोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक इंसान है और अच्छे खिलाड़ी भी तो है ही। तो इस तरह से बहुत कुछ बातचीत है। तो इस जो चीज़ें हैं इससे मतलब बहुत सारे फेक न्यूज ऐसे आ रहे हैं कि इंडिया मतलब इस तरह से बांग्लादेशी लोगों का जो मतलब खुशियाँ मतलब देखते हुए इंडिया भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और उन्होंने सारे कुछ बांग्लादेशी को वीसा देने के लिए इनकार कर रहा है, मतलब वीसा अब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा फेक न्यूज़ है क्योंकि ये मतलब वर्ल्ड कप से बहुत दिन पहले ही मतलब पहले से ही मतलब बांग्लादेशी जो पीपल है उनको वीसा मिलने के लिए मतलब एक से दो महीने लग रहे थे और कुछ मतलब इतने स्ट्रिक्टली अब सब कुछ जांच चल रहा है कि थोड़ा कुछ वक्त लग जा रहा है और किसी को भी तो 15 दिन के अंदर भी मिल जा रहा है। तो इस तरह से बातें आने लगे। लेकिन आप इस जो शोएब अली नाम का एक जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का फ़ैन है, उन्होंने मतलब इस तरह से जो लोग होते हैं कि इन्होंने सारे लोगों का मतलब जो टैलेंट है उनका कदर करता है और उन्होंने इस पोस्ट फेसबुक पे डाला और उससे बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे कमेंट की कि हाँ हम भी रोहित शर्मा का फ़ैन है और इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से नहीं है कि मतलब 17 करोड़ बांग्लादेशी है तो 17 करोड़ लोगों ही मतलब इंडिया के खिलाफ बोलेंगे। तो बहुत सारे लोगों का है मन में ये लगते हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है, तो इस तरह से लग सकता है। लेकिन ये मतलब 100% सही नहीं होते हैं क्योंकि इंडियन टीम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खेलते हैं और बांग्लादेश टीम भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मतलब अपने एक पहचान बनाने के लिए। तो किसी को भी मतलब इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए और आप भी मतलब इसका उतना ज़्यादा ख़राब रिप्लाई नहीं दीजिएगा क्योंकि मतलब दूसरे लोगों को इससे लिए चोट पहुँचे। इस छोटा सा फैक्ट के लिए इस वीडियो था। इसी तरह से वीडियो हर रोज बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।